हिचकी क्यों आती है? यहाँ से जो हम लोग का फायरिंग्स है, ये फायरिंग्स ये एक ही रास्ता है, इसी से हमारा सांस अंदर जाता है और इसी से हमारा भोजन अंदर जाता है, तो वहाँ तक तो खाना एक ही बार में जाता है। ये ब्लैक वाला समझ जाइए, ये सांस लेने के लिए है, ये एक ही रास्ता है यहाँ तक में। अब यहाँ से दो रास्ते बन जाते हैं, एक चला जाएगा आपका फेफड़ा में और एक चला जाएगा आपका भोजन के लिए, लेकिन दोनों आया था एक ही रास्ते से। तो यहाँ पर एक चीज होता है जिसे हम लोग कहते हैं एपिग्लोटिक्स, ये रेड कलर वाला ये एपिग्लोटिक्स है। तो जब हम सांस लेते हैं तो इस एपिग्लोटिक्स को पता है, अब ये इधर घूम जाता है तो हवा उधर चली जाती है, लेकिन जब कभी हम भोजन को निगलते हैं या पानी को निगलते हैं तो ये एपिग्लोटिक्स इस साइड हो जाता है, जिससे कि हवा वाली नली फेफड़ा वाली नली बंद हो जाती है और भोजन इधर चला जाता है। लेकिन जैसे ये गड़बड़ होता है ना, हमें हिचकी आने लगती है, तो इस एपिग्लोटिक्स को पता ही नहीं चलता है कि हमारे अंदर क्या आ रहा है, हवा आ रहा है, पानी आ रहा है, किधर भेज ना है, किधर नहीं, इसको कंट्रोल करता है ब्रेन। लेकिन कभी कभी हम खाना खाते वक्त या पानी पीते वक्त किसी दूसरे की यादों में खोए रहते हैं। लॉकडाउन से पहले क्या था, हम किसके साथ घूमने गए थे, ये सब यादों में खोए रहेंगे तो आपका ब्रेन हो जाएगा बिजी। तो एपिग्लोटिक्स कहेगा, रे ब्रेन पकलोलवा, ये खा रहा है कुछ, बोल ना रे, इसको इधर भेजे कि इधर भेजे। अब ब्रेन किसको छोड़ देगा, एपिग्लोटिक्स को छोड़ देगा। अब एपिग्लोटिक्स को समझे में नहीं आएगा क्या करना है। मान लीजिए आप पानी पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं, तो इस ससुर इधर घूम गया, अब ये वाला रास्ते बंद कर दिया, अब वो जो खाना है वो कहाँ चला जाएगा, सांस वाले में चला जाएगा। अब इधर सांस वाले में जाएगा तो इधर फेफड़ा है, फेफड़ा कहेगा, रे इधर खाना इधर कहाँ रहा है, दाल चावल इधर, तो फेफड़ा मारेगा धड़ाक से, भाग भाग बकलोलवा कहीं का, झटका मारेगा तो वही आपको हिचकी आएगा यहाँ पे, तो ब्रेन को याद आएगा, रे एपिग्लोटिस हुआ, कुछ गड़बड़ किया क्या रे, तो एपिग्लोटिस के क्या हम गड़बड़ किए क्या, चिल्ला रहे थे कि हम किधर घूमे किधर घूमे। तो हमें हिचकी तब आती है जब हम किसी दूसरे को याद कर रहे होते हैं, और हिंदुस्तान में लोग उल्टा बोलते हैं कि हमरा कोई याद कर रहा था, हमरा दिन भर लड़का याद करते रहता है सब कि सर क्या पढ़ाएं क्या पढ़ाएं, पता चला हमरा सांस लेने से ज़्यादा हिचकी आते रहेगा। हम तब तक हिचकी हमको नहीं आएगी जब तक हम दूसरे को याद न करें। अब कहेंगे सड़क कैसे जाता है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में जैसे ही खाना जो है इधर जाता है और ये वाला रास्ता बंद देखता है, तो अभी ये शुरुआते में है तो फेफड़ा उसको ढकेल देता है तो हिचकी आ जाता है। जब पानी पी लेंगे ना तो यहाँ अटकल का चीजवा को इधर लेके चल जाएगा तो फेफड़ा आके देखेगा सब गया कि नहीं, एक बार और ढकेलेगा। और कभी कभी ससुरा ज्यादा ही नीचे उतर आते हैं सब, अब फेफड़ा घुसिया जाता है, रे चोट्टा बिना आई कार्ड का तुम फेफड़ा में काहे आ रहा है रे, इधर तुम्हारा कौन जगह है। बस अब की बार फेफड़ावा घुसिया गया है और एकदम हड़ाहे मार देता है, हड़ाहे समझते हैं हंच के, एकदम हचाक से मारेगा ऐसे ना तो खाना पीना सब नाक से फेंक देंगे, हाँ एकदम, तो कोई ऐसे मारता है, कहे कि ब्रेनवा कहीं दूसरे को याद कर रहा था, सोच रहे बकलोलवा ओकरा छोड़ पहले हमने देख एपिग्लोटिक्स के देख कौन चीज हो गई। तो हिचकी का आना, सरक जाना, ये हमारा ब्रेन डिस्टर्ब था किसी दूसरे की याद में, कभी टेंशन में, कभी कुछ अदरवाइज में हिचकी वगैरह नहीं आती है, सारा काम किसका होता है, एपिग्लोटिक्स का।